आजकल जिस भी न्यूज चैनल को देखा जाए वहीं उत्तर प्रदेश इलेक्शंस पर डिस्कशंस होते मिल जाएंगे। इट्स ट्रू दैट उत्तर प्रदेश को जीतना हर पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडे में सबसे ऊपर होता है और इसी वजह से आजकल उत्तर प्रदेश में पॉलिटिकल गर्मा गर्मी भी अपने जोरों शोरों पर है। बीएसपी, एसपी, आप, बीजेपी और कांग्रेस जैसी मेजर पार्टीज जहां उत्तर प्रदेश को जीतने की रेस लगा रहे हैं, वहीं एक छोटी सी स्टेट उत्तराखंड जिसके इलेक्शंस भी 2022 में ही हैं, यहां भी कंपटीशन इक्वल ही है, बट इस स्टेट के बारे में बहुत कम लोग बात कर रहे हैं। और खासकर बीजेपी के लिए इस स्टेट का रेलिवेंस इतना ज्यादा हो सकता है जिसका उन्हें भी आइडिया नहीं है। सो ऐसा क्या है उत्तराखंड में जो उसे बीजेपी के लिए एक पावर हाउस स्टेट बना सकता है? सो इस वीडियो में हम ऐसे 5 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, बट पहले लेट्स हैव अ क्विक लुक ऑन द हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ उत्तराखंड, बिकॉज इन दोनों एस्पेक्ट्स को समझकर ही आप आगे के पॉइंट्स को समझ पाएंगे। सो उत्तराखंड, जिसे देवभूमि भी कहा जाता है, इट इज अ नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया शेयरिंग इट्स बॉर्डर्स विद स्टेट्स लाइक उत्तर प्रदेश एंड हिमाचल प्रदेश एंड कंट्रीज लाइक नेपाल एंड इवन चाइना। उत्तराखंड में हिमालयन रेंजेस मौजूद हैं और यहाँ पर वर्ल्ड की कुछ सबसे टॉलेस्ट पीक जैसे कि नंदा देवी, कामेट और बद्रीनाथ भी मौजूद है, मेकिंग इट आइडियल फॉर टूरिज्म। एंड 65% उत्तराखंड का एरिया जो है फॉरेस्ट से कवर्ड है और जिसमें कि इस स्टेट में नेचुरल रिसोर्सेज जो कि वाटर वॉल्यूम्स हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं। उत्तराखंड में ही चारों धाम भी मौजूद हैं जो हिंदू रिलीजन की होली पिलग्रिमेज साइट्स हैं और उत्तराखंड में दो ऐसे रिवर्स भी ओरिजिनेट होते हैं जिनका नाम गंगोत्री और यमुनोत्री है, जिन्हें इंडिया के मेजर लाइफ गिविंग रिवर्स भी कहा जाता है। बट उत्तराखंड का क्रिएशन एज अ स्टेट ऑफ इंडिया ईयर 2000 में हुआ था एक मेजर सेपरेटिस्ट मूवमेंट के कारण। 1994 में पुलिस के थ्रू हुई कुछ मास फायरिंग्स जिसमें कुछ सोशल एक्टिविस्ट की डेथ हो गई थी और उत्तराखंड क्रांति दल जैसी पॉलिटिकल पार्टीज ने उत्तराखंड को बनाने में एक मेजर भूमिका निभाई थी। बट गाइज, यहाँ एक मेजर नोट करने वाली बात ये थी कि अपने पहले ही असेंबली इलेक्शंस में उत्तराखंड क्रांति दल 70 में से सिर्फ 4 सीट्स पर ही जीत पाई थी, क्योंकि उत्तराखंड के लोगों ने INC और BJP को ही अपने सारे वोट्स दिए थे। सो विद दिस क्विक हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी लेसन डन, लेट्स डिस्कस दोस 5 पॉइंट्स जिसके लिए आज बीजेपी को उत्तराखंड में जीतना बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल साबित हो सकता है इन द कमिंग ईयर्स। So, जैसा कि हमने आपको पहले बताया ही, उत्तराखंड इज होम टू मेजर हिंदू रिलीजियस साइट्स जैसे कि बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, जिन्हें कलेक्टिवली 4 धाम भी कहा जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, कुंभ नगरी हरिद्वार एंड ऋषिकेश, जिसे योगा कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। सिर्फ यही नहीं, उत्तराखंड में पंच बद्री, पंच केदार, पंच प्रयाग, ज्योतिर्लिंग और तुंगनाथ जैसी सौयों हिस्टोरिकल हिंदू रिलीजियस साइट्स है जिसकी वजह से उत्तराखंड को लोग देवभूमि का दर्जा देते हैं। इनफैक्ट आम आदमी पार्टी जो अब न्यू दिल्ली से बाहर अपने पंख फैलाने शुरू कर रही है, उन्होंने भी उत्तराखंड पर खास अटेंशन देना शुरू कर दिया है। एंड अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह डिक्लेयर कर दिया कि वो उत्तराखंड को स्पिरिचुअल कैपिटल बनाएंगे। उनका कहना है कि उत्तराखंड की पिलग्रिमेज साइट्स पर वो वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज बना देंगे अगर वो इलेक्शन जीतते हैं और इसके वजह से करोड़ों हिंदूज दुनिया भर से उत्तराखंड में आकर विजिट करेंगे और उत्तराखंड को इससे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फायदा होगा। इसके लिए उन्होंने spiritualcapitaluttarakhand.com नाम की एक वेबसाइट भी शुरू कर दी है जिस पर लोग आकर अपने सजेशंस दे सकते हैं। सो अगर आप थोड़ा सा भी पॉलिटिकली अवेयर होंगे तो ये सब जानने के बाद आप ये बात तो समझ ही गए होंगे कि वो बीजेपी जिसने अयोध्या में राम टेंपल के निर्माण पर इतना जोर दिया जिसकी वजह से आज की डेट में अयोध्या में दुनिया का सबसे बड़ा राम टेंपल बनने जा रहा है, वो क्यों नहीं चाहेगी कि उत्तराखंड जैसी स्टेट को वो खुद ही स्पिरिचुअल कैपिटल बनाए जिसे वो प्रेजेंटली रूल भी कर रही है। उत्तराखंड में हिंदूज स्टेट की 80% पॉपुलेशन कॉन्स्टिट्यूट करते हैं और इसमें ब्राह्मण पॉपुलेशन 25% से 30% के बीच में है। और विद स्टेट्स लाइक उत्तर प्रदेश जहां आजकल हर पॉलिटिकल पार्टी ब्राह्मण वोट शेयर के पीछे पड़ी है और इसके लिए ब्राह्मण समाज के लिए कन्वेंशंस भी रखे जा रहे हैं, वहीं उत्तराखंड में बीजेपी ब्राह्मण्स की फेवरेट गो टू पार्टी बन सकती है अगर वो उत्तराखंड को स्पिरिचुअल कैपिटल बनाने का घोषणा कर दे। पर गाइस, देखा जाए तो यहाँ बात सिर्फ ब्राह्मण वोट शेयर की नहीं बट बाकी की हिंदू कास्ट की भी है जिन्हें बीजेपी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती है स्पिरिचुअल कैपिटल का कार्ड प्ले करके, क्योंकि हम सब ये बात तो जानते ही हैं कि 2014 से लेकर 2019 तक बीजेपी ने इस उम्मीद में नॉर्थ इंडिया में हिंदूज के बहुत सारे वोट्स पाए कि वो जब सत्ता में आएंगे तो अयोध्या में राम टेम्पल का निर्माण करेंगे।
तो अगर उत्तराखंड को वर्ल्ड लेवल पर हिंदू की कैपिटल बना दिया जाए तो यहाँ तो हिंदू वोट्स भर भर के मिल सकते हैं, कीपिंग इन माइंड कि उत्तराखंड के लोग सेंट्रल पॉलिटिकल पार्टीज को ही अपना ज़्यादातर वोट देते हैं। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, हमें ये बात ज़रूर याद रखनी चाहिए कि उत्तराखंड में मेजर हिंदू रिलीजियस साइट्स मौजूद हैं, जिसकी वजह से यहाँ रिलीजियस टूरिज्म से बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है। ईयर 2019 में जब कोविड नहीं था, तब सिर्फ केदारनाथ यात्रा से ही उत्तराखंड में 400 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया गया था। और ऐसी तो न जाने कितनी ही रिलीजियस साइट्स उत्तराखंड में मौजूद हैं जगह जगह पर। तो सोचिए, इफ देयर इज सो मच मनी इन द पूल, क्यों कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस चीज का फायदा नहीं उठाना चाहेगी। बॉर्डर विद चाइना। सो उत्तराखंड एक ऐसी स्टेट है इंडिया की जहां पर इंडिया के नेशनल बॉर्डर्स भी हैं नेपाल और चाइना के साथ। अब यहां पर कुछ चीजें समझने की है। जो नेशनल बॉर्डर्स होते हैं इंडिया के, उन्हें बीएसएफ गार्ड करती है, हु टेक्स ऑर्डर्स डायरेक्टली फ्रॉम सेंट्रल मिनिस्ट्री, और सेंट्रल मिनिस्ट्री में बीजेपी है, ये बात तो आप सबको क्लियर होगी ही। अब हाल ही में ऐसी न्यूज निकल कर आई कि बीएसएफ की रेंज को बॉर्डर स्टेट्स में 15 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक फैला दिया गया है। सेंट्रल मिनिस्ट्री का कहना था कि रीसेंट इलीगल एक्टिविटीज को देखते हुए ये फैसला लिया गया है, बट ऑपोजिशन लीडर्स इस बात का खुलकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनका कहना है कि बीएसएफ की रेंज बढ़ाने से उनकी स्टेट के कुछ ज्यूरिसडिक्शंस का कंट्रोल भी बीएसएफ के पास आ जाएगा और यहाँ होने वाली हर चीज को बीएसएफ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंट्रोल कर सकती है सेंट्रल मिनिस्ट्री के ऑर्डर्स पर। ऑपोजिशन ये पॉइंट्स रेज कर रही है कि अगर कोई रैली निकालनी हो, पॉलिटिकल इवेंट हो, कोई इलेक्शन हो या कोई प्रोटेस्ट ही क्यों ना हो, इन सब चीज़ों में उन्हें अपनी स्टेट में बीएसएफ से परमिशन लेनी पड़ेगी इन चीज़ों को ऑर्गेनाइज कराने के लिए। और इसके अलावा बीएसएफ किसी भी रैंक के पर्सन को अरेस्ट भी कर सकती है अगर उन्हें वो सिक्योरिटी थ्रेट लगता है। इसी वजह से कुछ स्टेट्स के सीएम, जैसे कि पंजाब सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और वेस्ट बंगाल सीएम ममता बनर्जी, इन सब चीज़ों का खुले आम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उत्तराखंड में भी नेशनल बॉर्डर्स होने की वजह से यहाँ सेंट्रल मिनिस्ट्री अपना दबदबा बना सकती है अगर वो चाहें। उत्तराखंड का बॉर्डर उत्तर प्रदेश से लगता है, जो ऑलरेडी एक मेजर स्टेट है जहां पर बीजेपी रूल करती है। अब नेबरिंग स्टेट होने के कारण यहां पर बीजेपी मैन पावर और रिसोर्सेज को इजीली ट्रांसफर कर सकती है इन दोनों स्टेट्स के बीच में, और किसी भी पॉलिटिकल सिचुएशन या फिर इलेक्शंस के टाइम जब देखा जाए, एक पॉलिटिकल पार्टी को बहुत फ़ायदा मिलता है जब उसकी नेबरिंग स्टेट भी उसी पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू रूल्ड हो। ऐसे में अगर इलेक्शंस के टाइम कोई भी इम्पॉर्टेंट बीजेपी लीडर उत्तराखंड से यूपी और यूपी से उत्तराखंड जाना चाहे तो वो आसानी से आ जा सकता तो है ही, पर ये बहुत ज़्यादा टाइम सेविंग भी साबित होगा। इसके अलावा बीजेपी रिसोर्सेज का ट्रांसफर भी इजीली यूपी से उत्तराखंड और उत्तराखंड से यूपी कर सकती है। जैसा कि हमने आपको पहले बताया है कि उत्तराखंड से ही इंडिया की मेजर लाइफ गिविंग रिवर्स निकलती हैं, और इसी का यूज़ उत्तराखंड ने हाइड्रो पावर प्लांट्स बनाकर बहुत अच्छे से करा है, और वो चीप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाता है और दूसरी स्टेट्स को भी बेचता है। यहाँ टोटल पावर जनरेशन कैपेसिटी 3731 मेगावाट्स है। इंडिया का सबसे बड़ा डैम टिहरी डैम भी उत्तराखंड में ही मौजूद है। हालांकि उत्तराखंड 20,000 मेगावाट से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की पोटेंशियल रखता है अगर यहाँ और हाइड्रो पावर प्लांट्स बनाए जाएं तो। बीजेपी रूल्ड उत्तर प्रदेश इस चीज़ का फायदा उठाकर उत्तराखंड से चीप इलेक्ट्रिसिटी बाय कर सकता है अगर बीजेपी की सरकार उत्तराखंड में बनी रहे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन उत्तराखंड से कई गुना ज़्यादा है। उत्तराखंड में एक्स्ट्रा हाइड्रो पावर प्लांट्स इंस्टॉल करके बीजेपी को डबल फायदा होगा। एक तो ये कि उत्तर प्रदेश के लोगों को चीप इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी और वहाँ उत्तर प्रदेश में जो वोट्स होंगे वो बीजेपी को मिलेंगे। साथ ही में उत्तराखंड में जब ये पावर प्लांट्स बनेंगे तब वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जाएगा, जिससे वहाँ के लोग भी बीजेपी को ही अपना वोट देंगे। टूरिज्म सेक्टर। गाइज, उत्तराखंड इज अ मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन इंडिया, जहां हर साल 4 करोड़ से ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं, क्योंकि यहां 4 धाम होने के साथ साथ 12 नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी हैं। साथ ही में वैली ऑफ फ्लावर्स नाम की यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी उत्तराखंड में मौजूद हैं। उत्तराखंड ना सिर्फ एक रिलीजियस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, बट इट्स ऑल्सो अ वाइल्ड लाइफ ट्रैकिंग एंड एडवेंचर कैपिटल ऑफ इंडिया। ऋषिकेश जैसे योगा कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, वो भी उत्तराखंड में ही है, और हरिद्वार जहाँ कुंभ मेला होता है वो भी यहीं मौजूद है।
हजारों नेचुरल टूरिस्ट डेस्टिनेशंस होने की वजह से उत्तराखंड हैवी वॉल्यूम्स में ना सिर्फ नेशनल बट इंटरनेशनल टूरिस्ट को भी अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। और इंडस्ट्री एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग सिर्फ चार धाम यात्रा से ही 500 से लेकर 1000 करोड़ का बिजनेस जनरेट होता है। अब आप सोच लीजिए कि इसमें अगर बाकी की टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को भी ऐड कर लिया जाए तो ये अमाउंट कितनी बड़ी बन जाएगी। एक्स सीएम ऑफ उत्तराखंड सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत 2020 में कह चुके हैं कि उत्तराखंड की इकोनॉमी टूरिज्म पर हैवीली रिलाय करती है। तो अगर बीजेपी उत्तराखंड में वर्ल्ड क्लास टूरिज्म फैसिलिटीज प्रोवाइड करे और नई नई टूरिज्म साइट्स भी यहाँ पर ओपन करे तो यहाँ पर उन्हें भर भर के वोट्स मिल सकते हैं और साथ ही में यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट भी बहुत भारी वॉल्यूम्स में जनरेट हो सकेगा और नौजवान भी बीजेपी को ही फिर वोट करेंगे। फिलहाल नॉर्थ इंडिया में बीजेपी उत्तराखंड उत्तर प्रदेश हिमाचल प्रदेश और हरियाणा जैसी स्टेट्स को रूल कर रही है, बट विद असेंबली इलेक्शंस अराउंड द कॉर्नर बीजेपी को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि अगर उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट्स रूल करने के लिए हो नॉर्थ में तो उसकी पकड़ और मजबूत बनेगी, क्योंकि जितनी ज़्यादा उनके पास स्टेट्स होंगी उतनी ज़्यादा सीट्स उनके पास पार्लियामेंट में होंगी। तो कांग्रेस मुक्त भारत का नारा देने वाली बीजेपी को अगर नॉर्थ में अपनी पकड़ बनानी है तो उनका रास्ता देवभूमि से ही होकर गुजरेगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा स्टेट्स बीजेपी के पास नॉर्थ में होंगी उतनी ज़्यादा पार्लियामेंट में भी होंगी और वो डिसीजन मेकिंग को अच्छे से इन्फ्लुएंस कर भी पाएंगे। तो गाइज विद ऑल ऑफ दैट सेड एंड डन आई होप कि अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को या फिर बीजेपी को ही उत्तराखंड को जीतना कितना इम्पॉर्टेंट हो सकता है इन द कमिंग इलेक्शंस। तो अगर आपको लगता है कि हमने कोई भी पॉइंट मिस कर दिया तो डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल क्रश को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर दबा लीजिए। सो दिस इज उत्कर्ष साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।